हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मेरा नया वीडियो हाइट ऑफ द चाइल्ड इस विषय पे बनाया हूँ। अगर आप अपने बच्चे की हाइट बढ़ाना चाहते हैं या अगर आपके बच्चे की हाइट कम है तो इस वीडियो को आखिर तक आपने देखना चाहिए, जिससे डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा लंबा हो, और इसके ऊपर दो फैक्टर काम करते हैं। पहला जेनेटिक्स, मतलब माँ बाप की हाइट। अगर माँ बाप लंबे हैं तो जनरली बच्चे लंबे निकलते हैं, और अगर माँ बाप की हाइट कम है तो जनरली बच्चों की हाइट कम होती है। और 20% फैक्टर काम करता है वो एनवायरमेंटल, जो हम आपके साथ आगे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि लड़के और लड़कियाँ अलग अलग तरीके से लंबे होते हैं, तो हम आगे आपके साथ वो भी चर्चा करने वाले हैं। तो लंबाई कैसी बढ़ती है? बच्चा जब इंडियन बच्चे जनरली 50 सेंटीमीटर के आसपास पैदा होते हैं, उसके बाद फर्स्ट ईयर में 25 सेंटीमीटर, फर्स्ट टू सेकेंड ईयर में 12.5 सेंटीमीटर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में 6.5 सेंटीमीटर पर ईयर, और उसके बाद 4 साल से लेकर प्यूबर्टी तक 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर बच्चों की हाइट बढ़ती है। प्यूबर्टी लड़कियों में जल्दी आती है, अराउंड 10 इयर्स to 12 इयर्स के बीच में, और लड़कों में लेट आती है, अराउंड 12 to 14 इयर्स के बीच में। उसके बाद प्यूबर्टी में हाइट लड़कों की 7.5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है, और लड़कियों की 6 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है। और प्यूबर्टी खत्म होने के बाद थोड़ी सी हाइट वापस बढ़ सकती है, वो 18 साल तक, और दैट इज अराउंड 4 to 6 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको एक पीडियाट्रिशियन की जरूरत होती है। पीडियाट्रिशियन हस्बैंड वाइफ और उस बच्चे की हाइट कैलकुलेट करता है। एक फॉर्मूला है, लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग। उस फॉर्मूले से बच्चे की एक्सपेक्टेड हाइट, मतलब 18 साल की उम्र में उस बच्चे की हाइट क्या रहेगी, लड़के की या लड़की की, फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाती है, और वो ग्रोथ चार्ट पे मार्क की जाती है। समझो एक लड़का है और उसकी एक्सपेक्टेड हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो उसमें प्लस 6 सेंटीमीटर और माइनस 6.5 सेंटीमीटर इस तरह से किया जाता है, मतलब बच्चे की हाइट 154 से 166 सेंटीमीटर के बीच में 18 साल की उम्र पर रह सकती है, और इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड हाइट। अगर उस वक्त अगर बच्चा 6 साल का है तो 6 साल की उम्र में जो भी उसकी हाइट है, समझो 107 सेंटीमीटर, तो वो ग्रोथ चार्ट पे मार्क किया जाता है, और वो देखा जाता है कि उसकी एक्सपेक्टेड फाइनल हाइट का जो रेंज है, उस रेंज में वो हाइट में है या नहीं है। अगर वो है तो बच्चे की हाइट इस वक्त नॉर्मल ग्रो हो रही है। अगर रेंज से नीचे है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, और इस वक्त बच्चों के पीडियाट्रिशियन जो होते हैं, बच्चों के डॉक्टर, वो उसके ऊपर कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आगे क्या होने वाला है पता चल जाता है। तो क्या क्या फैक्टर डिपेंडेंट है? जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, जेनेटिक्स ऑलमोस्ट 80%, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन और सेक्स हार्मोन से बच्चों की हाइट काफी बढ़ती है। अगर इसकी डिफिशियंसी है तो बच्चों की हाइट कम हो जाती है, अगर एक्सेस है तो बच्चों की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो भी प्रॉब्लम है डिफिशियंसी की या एक्सेस की, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप आर्टिफिशियल हार्मोन देके बच्चों की हाइट बढ़ा सकते हैं, लेकिन एज ए पीडियाट्रिशियन मेरा सजेशन रहेगा, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। कुछ केसेस में हम डेफिनेटली वो इंजेक्शंस देते हैं, बहुत कॉस्टली भी है और उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग भी लगती है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में बैलेंस डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ज्यादा खाना चाहिए? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी है, इसके अलावा प्रोटीन डाइट जैसे पल्सेस, दाल, स्प्राउट्स, मूंग, मटकी, चने, एग और फिश। क्या नहीं खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे शुगर, चिप्स, चॉकलेट, कुरकुरे, ये चीजों को हमसे बच्चों को बचाना है। ओवरऑल हेल्थ के लिए ये चीजें नुकसानदायक है। एक्सरसाइज से डेफिनेटली बच्चों की हाइट हम बढ़ा सकते हैं। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है मॉर्निंग में उठ के बाद स्ट्रेचिंग करना। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए क्या करना है, जैसे बच्चा उठता है उसे कहना है कि इस तरह से हाइट ऊपर लेके जाना है, और जितना लंबा स्ट्रेच कर सकता है स्ट्रेच करना है, उसका साइड में भी स्ट्रेच करना है। इससे बच्चे के सभी मसल स्ट्रेच होते हैं, बोन स्ट्रेच होते हैं, और इससे हाइट बढ़ने की काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा सभी को पता है लटकना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ चीजों पर वहां पर आपको ध्यान देना है। लटकते सीधा लटकना है, झूलना नहीं है, और उसके जो हाथ है और जो उसके स्पाइन है एक ही लेवल पे होना चाहिए, जिससे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल हिलना नहीं है, और जितनी देर पकड़ के रह सकते हैं उतनी देर रहने की कोशिश करना चाहिए, जिससे बच्चों को लटकने के वजह से हाइट में फायदा हो। उसके बाद स्कीपिंग, मतलब रस्सी कूदना, अगर दिन में 100 बार आप स्कीप करते हैं डेफिनेटली फायदा होता है। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, हाइट के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी एक्सरसाइज है।
टो लिफ्ट, टो लिफ्ट का मतलब जो आपके अंगूठ पैर के जो उंगलियां है उसको ऐसा आपको उंगली के ऊपर ऐसा खड़ा होना है और दीवार के सहारे खड़ा होना है, वापस हाथ हाथ ऊपर लेके जाके जितना अपने आप को खींच सकते हैं ऊपर खींचने की कोशिश करना है। इससे डेफिनेटली हाइट में फायदा होता है। इसके अलावा अल्टरनेट लेग मतलब किक, इसमें क्या होता है जैसे ये आपका लेफ्ट लेग है, आपका राइट हैंड ऊपर लेना है, राइट हैंड को नीचे लाना है और लेफ्ट लेग को ऊपर ला के दोनों को एक दूसरे को टच करना है। उसके बाद दूसरे इसमें जैसे राइट लेग ऊपर लाना है और लेफ्ट हैंड को नीचे ला के टच करना है। तो इस एक्सरसाइज से हम अल्टरनेट लेग किक बोलते हैं और इससे भी हाइट बढ़ने में डेफिनेटली फायदा होता है। और सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हाइट, ये इसके बारे में मैं डिटेल नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि सूर्य नमस्कार के बारे में हर गूगल और हर यूट्यूब पे आपको आराम से मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। और बच्चों से दिन में 25 सूर्य नमस्कार कराइए जिससे डेफिनेटली उसके ओवरऑल हेल्थ प्लस हाइट में डेफिनेटली फायदा होगा। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ज्यादा सोते हैं वो बच्चों की हाइट काफी बढ़ती है क्योंकि जब बच्चे रात को सोते हैं उस वक्त जो भी हार्मोन्स है जैसे ग्रोथ हार्मोन, सेक्स स्टेरॉइड्स हार्मोन, ये रात को ज्यादा सिक्रीट होते हैं और हाइट डेफिनेटली बढ़ती है। इसके अलावा सप्लीमेंटेशन का काफी ज्यादा डॉक्टर्स यूज करते हैं जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, इसका रोल अभी तक प्रूवन नहीं है। हाँ हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप ले सकते हैं जिससे उसकी बोन की मजबूती में उसको फायदा होगा, लेकिन इससे हाइट बढ़ने वाली है ऐसा आज तक कहीं प्रूवन हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चों की हाइट कब तक बढ़ती है। जैसे मैंने कहा कि प्यूबर्टी तक बच्चों की हाइट बढ़ती है, प्यूबर्टी कुछ बच्चों में जल्दी चालू होती है, कुछ बच्चों में लेट चालू होती है, कुछ लड़कियों में जल्दी चालू होती है, कुछ लड़कियों में लेट चालू होती है। जनरली प्यूबर्टी कुछ लड़कों या लड़कियों में 2 साल भी रहती है, ग्रोथ जो फेज है, या कुछ कुछ बच्चों में 5 साल तक प्यूबर्टी देखी जाती है। जनरली मेल प्यूबर्टी 16 साल तक एंड हो जाती है, मैक्सिमम 18 साल तक तो डेफिनेटली एंड हो जाती है। फीमेल प्यूबर्टी 14 साल तक एंड हो जाती है, मैक्सिमम 16 साल तक एंड हो जाती है। जब तक प्यूबर्टी चालू है तब तक हाइट बढ़ेगी, उसके बाद जैसे मैंने ऑलरेडी कहा 4 to 6 सेंटीमीटर ओवरऑल ग्रोथ होने के चांसेस रहते, लेकिन हर बच्चों में ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों की हाइट 18 साल के बाद बढ़ा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। मैं कहना चाहूंगा डेफिनेटली नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कुछ ऑपरेशन 18 साल के बाद कुछ कंट्रीज ने ट्राई करने की कोशिश की, मैक्सिमम कंट्रीज ने उसको बैंड किया है, इसलिए मैं इस बारे में डिटेल डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूं। आई होप ये वीडियो से आपको डेफिनेटली फायदा होगा। जो भी इस विषय पे पूछना चाहता है ये मेरे दिए सामने नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकता या कमेंट बॉक्स जो आप इस चैनल पे देख रहे हैं वीडियो वहां पे डेफिनेटली लिखिए, मैं इसका जवाब आपको देना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।